गुजरात के गांधीनगर में G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों की दूसरी गोलमेज बैठक कल दस्तावेज और सारांश जारी होने के साथ संपन्न हो गई। इस बैठक में एक परिणाम दस्तावेज अपनाया गया और भारत ने 4 एजेंडा बिंदुओं पर आम सहमति बनाई। G20 CSA गोलमेज सम्मेलन भारत की G20 की मौजूदा अध्यक्षता के दौरान शुरू की गई एक नई पहल है। G20 CSAR ने वैश्विक विज्ञान और तकनीकी नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से G20 देशों और सरकारों के प्रमुखों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों को एक साथ लाया, जो बाद में एक प्रभावी और सुसंगत वैश्विक विज्ञान सलाह तंत्र में विकसित हो सकता है। G20 CASR का लक्ष्य वैश्विक साइंस और तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाले कुछ मुद्दों का समाधान निकालना है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान CSAR के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वन हेल्थ और वैश्विक भलाई के लिए साझा वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे की सुविधा और उभरती और भविष्य की प्रौद्योगिकियों और विकसित मानकों में सहयोग शामिल है। बैठक के बाद भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री